नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें लंबे समय बाद जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है। पिछले दो साल से सपा नेता सीतापुर जेल में बंद है, जिस मामले में आजम खान की जमानत याचिका मंजूर हो गई है। वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर है। इस मामले में आखिरी बार 5 मई को सुनवाई हुई थी, तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन अब सपा नेता को आखिरकार इस मामले में राहत दे दी गई है। इससे पहले इन्हें 71 मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। वैसे ही जमानत मिलने के बाद भी आजम जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप लगाया गया कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर मान्यता प्राप्त की थी। अब 3 बस डर्जी मामले में अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है और आजम खान का जेल से बाहर आने का समय लंबा होता जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।